इस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद आई थिंक एचटेट में भी आया और नेट में भी आया, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन रिलेटेड विद हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज विद इन द बोहर रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दीज ऑप्शन आर गिवन एन आंसर इज 0.32 विद इन द बोहर रेडियस। ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बोहर रेडियस या विद इन द बोहर रेडियस, या फिर ऐसे कह सकते हैं कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस लेस देन बोहर रेडियस। बोहर रेडियस ए जीरो से डिनोट करते हैं। बोहर रेडियस की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोहर रेडियस मीन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमती है तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसे बोलते हैं बोहर रेडियस। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, वो है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बोहर रेडियस। तो यहां तो क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड बोहर रेडियस या विद इन बोहर रेडियस, या फिर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस लेस देन बोहर रेडियस, एक ही बात है। तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कोरस्पोंड टू क्वांटम नंबर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ग्राउंड स्टेट में ये क्वांटम नंबर जो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, एल की वैल्यू वैसे ही आप जानते हैं 0 से लेके एन माइनस 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो होता ही माइनस एल से लेके एल। तो ग्राउंड स्टेट में क्वांटम नंबर जो है हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्वांटम नंबर्स आर एन इज 1, एल इज 0, एम इज 0। ये जो सफिक्स होते हैं पहला एन होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या टोटल क्वांटम नंबर, एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। So we have to calculate probability of finding electron inside Bohr radius. So probability is number of favorable ways, yani number of ways in which event of interest can occur divided by total number of equal probable ways of event. Or both on total to niche 1 hi aayega kyunki wave function is normalized. Aur yahan pe integral sin star psi d tau, और चूंकि विद इन बोहर रेडियस है तो लिमिट जीरो से इंफिनिटी नहीं आएगी, लिमिट जीरो से ए जीरो आएगी। यहां पे ये सावधानी वाला पॉइंट है, लिमिट जीरो से इंफिनिटी नहीं आएगी क्योंकि विद इन द बोहर रेडियस है तो जीरो से ए जीरो आएगा। ए जीरो इज सिंबल ऑफ बोहर रेडियस। अब साई स्टार भी यही आएगा और साई तो यही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू पावर माइनस टू आर ओवर ए जीरो वन बाई पाई ए जीरो क्यू। और साथ में ये डी टाउ इज वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू नो विच इज 4 पाई लिटिल आर स्क्वायर डी। पहले भी एक दो प्रॉब्लम में बताया 4 पाई कैसे आता है, 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर ले गया। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। यहाँ गामा फंक्शन यूज होगा, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट तब यूज होता है जब लिमिट ऊपर वाली इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे लिमिट प्लीज ध्यान दें यहाँ पे लिमिट ए जीरो है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। आइलेट ये अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये इस प्रकार से आ गया माइनस माइनस प्लस, आप समझ सकते हैं। फिर मैंने आर की ये पहले ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स यूज करेंगे, पहले आर की अपर लिमिट माइनस बाद में आर की लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करिए आर की ए जीरो
यहाँ ए जीरो, यहाँ ए जीरो, तो ये आ जाएगा और माइनस बाद वाली जीरो इंटू समथिंग इज जीरो प्लस ए जीरो इंटू, फिर यहाँ पे फिर दोबारा ये यूज हुआ, ये अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस वो ए जीरो से मल्टीप्लाई साथ साथ ही कर लो माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और ये लिमिट आर की, फिर ये आर की लिमिट बाद में पुट करते, पहले इसको ले गई और ये प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए जीरो स्क्वायर ओवर टू और ये इंटीग्रेशन ई टू पर माइनस टू आर ओवर ए जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू पर माइनस टू आर ओवर ए जीरो विद रेस्पेक्ट टू आर है तो ओवर माइनस टू ओवर ए जीरो विद लिमिट जीरो टू ए जीरो और ये फिर लिमिट पुट की आर की अपर लिमिट पुट की ए जीरो और आर की जगह ए जीरो कैंसिल ई टू पर माइनस टू माइनस लोअर लिमिट जीरो को जीरो इंटू समथिंग जीरो लिखने की जरूरत नहीं प्लस ए जीरो स्क्वायर टू इंटू माइनस ए जीरो टू फिर आर की अपर लिमिट पुट की ए जीरो कट गया ई टू पर माइनस टू माइनस फिर आर की जगह जीरो ई टू पर जीरो इज वन और ये आ जाएगा ये दोनों क्लब हो गए कंबाइन हो गए एक बन गया और माइनस कॉमन ले लिया माइनस माइनस प्लस तो ये वन माइनस ई टू पर माइनस टू तो ये आ जाएगा ए जीरो क्यूब ओवर फोर माइनस वन बाई फोर माइनस वन माइनस फाइव बाई फोर ए जीरो क्यूब ई टू पर माइनस टू। अब ये जो इंटीग्रेशन मैंने निकाला वो यहाँ पे सब्सिट्यूट किया पाई से पाई यहाँ कैंसिल तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा फोर ओवर ए जीरो क्यूब और ये इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है ए जीरो क्यूब ओवर फोर मैंने कॉमन ले लिया इंटू वन माइनस फाइव ए टू पर माइनस टू ये कैंसिल तो वन माइनस फाइव ए टू पर माइनस टू यानी वन माइनस फाइव और लिटल ई स्क्वायर लिटल ई की वैल्यू आप जानते हैं 2.718 तो वन वाई लिटल ई स्क्वायर और सोल्व करके कैलकुलेट करके फाइव वाई लिटल ई स्क्वायर आ जाएगा 0.677 तो वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गेन मानिए 0.323 इसका द आंसर इज फोर। तो मेरा मतलब ये है कि थ्री है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड बोहर रेडियस और अगर वो पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड बोहर रेडियस तो फिर क्या करते हैं वन में से घटा देते हैं। अगर वो पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड बोहर रेडियस तो फिर वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड बोहर रेडियस यानी वन माइनस 0.32 यानी 0.68 यानी 68% यानी विद इन बोहर रेडियस जो है वो 32% है और आउटसाइड बोहर रेडियस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0.68 है। थैंक यू।